अटारी के एक स्कूल में 4 साल की बच्ची से रेप के मामले में परिजनों द्वारा प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी को हटाकर नई कमेटी बनाई जाए और स्कूल में पढ़ाने वाले सारे टीचर्स को सस्पेंड किया जाए। उन्होंने कहा कि एक नर्सरी की बच्ची से रेप की कोशिश की गई और इस मामले में शिक्षकों को ही गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ एक आयोग को भी हिरासत में लिया गया। इस मौके परिजनों द्वारा पुलिस को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। साडे इलाके की एक 4 साल की मासूम बच्ची नाल अत घिनौनी हरकत हुई है जिहड़ी असी लफ्ज़ां दे विच बयान नहीं कर सकते। पहलां भी इत्थे एक इस स्कूल के बच्चों नाल इंसीडेंट हो चुका आ। 7 बच्चे इत्थों मैनेजमेंट की लापरवाही कारण गड्डी जिहड़ी सीगी उह नहर दे विच डिग पई ते 7 बच्चे रब नूं प्यारे हो गए सीगे। उहदे विच भी अज तक कुछ नहीं न्याय मिल सकिया। सारे इलाका वासियां दी बिना किसी पार्टी तो बिना किसी धड़े तो यह मंग आ भी इस स्कूल का दिल्ली वाली मैनेजमेंट कमेटी तो इत्थों वाली जिहड़ी मैनेजमेंट लोकल कमेटी आ दोनों कमेटियां नूं साडे रूबरू किया जाए। इलाका वासियां दे असी इलाके दे विचों मोहतबर बंदे ते होर आम पब्लिक नूं नाल लै के गल करांगे। सानूं किसी भी कीमत पर असी पुलिस प्रशासन सरकार को भी यह मंग करांगे भी साड़ी इस बच्ची नूं किसी भी कीमत पर न्याय मिलना चाहिए भी सानूं साड़ी इस बच्ची दे नाल जो हरकत हुई है साड़ी इस बच्ची नूं साडे उस परिवार नूं न्याय मिलना चाहिए और अगे तो इहो जिहा कोई कानून आना चाहिए आ असैम्बली दे विच जिहड़ा इहो जिहियां घटनावां अगे तो ना हो सकन। नहीं तो लोगों का विश्वास यहोजे स्कूलों तो सरकारों तो वो तो पता फिर उठ ही जाता हों। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਹੁੰਦੇ ਆ 6 ਘੰਟੇ ਸੇਫ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁਆੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਕੇ ਕਰ ਦੂਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਨਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਛੱਡੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਾਗਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਅਮਨ ਮਾਹਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।